गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूं ऑन द वीडियो अर्थकुल डेथ सीन इन कुरलुस ओस्मान। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लगने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। और यही वजह है कि अर्तुगरुल की मौत की खबर जब फ्लटियोस के कानों में पड़ी तो वो खुश होने के बजाय अफसुर्दा हुआ कि वो अपने बाप ट्रेकोस के कत्ल का इंतकाम अर्तुगरुल से ना ले पाया। उसने सलेब के निशान वाले लॉकेट को पकड़कर अपने बाप से माफी मांगने के बाद वादा किया कि वो ये इंतकाम अर्तुगरुल गाजी की नस्लों से वसूल करेगा। नंबर 5, साउजी। अपने शफीक बाप का साया सर से उठने पर साउजी भी दुख और इस्तराब की कश्मकश में नजर आए। अपने बाबा को याद करते हुए साउजी ने कहा कि वो मुझे आलिम बनाना चाहते थे और खाने के वक्त मुझसे सवाल पूछा करते जिनके जवाब सुनकर हमेशा बहुत खुश होते। नंबर 4, उस्मान। मेरे बहादुर बाबा, मेरे बारोब बाबा। अर्तुगरुल के चेहरे को देखते हुए और उनकी तलवार को गले लगाए उस्मान गाजी यही कहते सुनाई दिए। उस्मान के अंदर एक तूफान बरपा था, दुख का ऐसा लावा जिसकी तपिश अगरचे उस्मान को अंदर ही अंदर जलाए जा रही थी लेकिन अपने बाबा की तरबियत उन्हें सब्र अख्तियार करने पर कायल किए हुए थी। नंबर 3, गुंदूज। अपने बाबा से बचपन में जो प्यार गुंदूज को मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। पहला बेटा होने की वजह से बाप की मोहब्बत जिस शिद्दत से गुंदूज ने देखी वो अलग ही मकाम रखती थी। यही वजह है कि गुंदूज की दिलचस्पी सरदारी के हसूल से ज्यादा अपने बाबा की खुशी से मशरूत रही और जब अर्तुगरुल जिरगे की सदारत करते करते अचानक इस दुनिया से रुखसत हुए तो गुंदूज का गम वाजे तौर पर नजर आ रहा था। ये ऐसा गम था जो सब्र के बंद को तोड़ते हुए आंसुओं और सिसकियों की शक्ल अख्तियार किए हुए था। नंबर 2, सेलजन खातून। अर्तुगरुल से यादों का एक तवील सिलसिला और मोहब्बत व अकीदत की वाबस्तगी ने गाजी की मौत का जो कर्ब सेलजन को दिया वो एक अलग ही पहलू रखता है। मेरे सरदार चले गए, ये जुमला कितने ही रिश्तों की मोहब्बत और तड़प के इम्तजाज से मुजयन था। माजी में अर्तुगरुल के खिलाफ सेलजन की जाने वाली साजिशें भी सेलजन की रूबरू आ खड़ी हुई लेकिन बाला ने सेलजन को हौसला दिया कि आपने तो सरदार के ममता से महरूम बच्चों को अपनी ममता की ठंडक दी, अर्तुगरुल आपसे राजी होकर ही गए होंगे। नंबर 1, बम्सी। अपने सरदार, दोस्त और भाई की जुदाई पर बम्सी एक अजीब पुरसरार खामोशी का शिकार नजर आई। अगरचे ये खामोशी चीख चीख कर मातम कर रही थी लेकिन बम्सी के दिल से निकली ये आवाज सिर्फ उनके अपने कान ही सुन सकते थे। बम्सी की आंखों में यादों का एक तवील सिलसिला आया था और अर्तुगरुल का बम्सी की बाहों में जान देने का वो मंजर भला कौन भूल पाएगा। Oh my God, ये
बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। सबसे पहले मैं पहचान नहीं पाई उनको, बिकॉज मैंने जितने सीन्स रिएक्ट किए हैं अर्तुगरुल गाजी के, जिसमें वो बहुत ही यंग एंड उनकी पर्सनालिटी ऐसे, जब ऐसे ऐसे सीना ठोकते थे वो आवाज़ आता था खाट खाट खाट, एंड ऑल्सो दैट्स द रीज़न एंड देन आई गॉट टू नो माई गॉड। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। एज यू ऑल नो कि मुझे तुर्गुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थ्रू आउट द सीन तुर्गुत कहीं पे नहीं दिखे, तो मैं खास जाके सर्च करने वाली थी, वाली हूँ इसके बाद कि तुर्गुत का क्या रिएक्शन था। एंड माई गॉड, कमेंट में मैंने पढ़ा, अभी नीचे एक ही कमेंट दिखता है ना, वीडियो जब चालू रहता है तब नीचे एक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कमेंट होता है, पिन अप कमेंट होता है, वो दिखता है, जिसमें किसी एक ने लिखा था कि मुझे ये चीज़ बहुत इमोशनल लगी जहाँ पे अर्तुगरुल गाजी ने जिस तरीके से हलीमा का स्कार्फ एंड तक, जब वो उनकी डेथ हो रही थी एंड तक उन्होंने अपने पास से पकड़ा रखा था। माय गॉड, सीरियसली, प्योर प्योरिटी, प्योर लव एंड ऑल, बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये। स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक ऑडियो नहीं था इस वीडियो के अंदर, जब नंबर 7 एक छोटे बच्चे के बारे में दिखाई दिया गया था, एंड आई वाज लाइक हु इज ही, और उन्होंने उस टाइम पे कुछ कहा नहीं, तो कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना कि वो छोटे बच्चा कौन था, एंड बिकॉज नंबर 7 में उसका नाम आया बट तुर्गुत का होल किसी इसमें नाम नहीं आया, सो दैट्स द रीज़न मैं जानना चाहती हूँ कि वो बच्चा कौन था, क्योंकि उनकी ऑडियो ही वहाँ पर बंद थी। फिर नंबर 6 था कोई दुश्मन, जिसको ये सुन के बुरा लगा, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी समझने में प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि ये बहुत ही प्योर उर्दू है और मुझे समझ में नहीं आती है, मैं हिंदी समझ में आती है, तो दैट्स द रीज़न। अब जहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको इतनी प्रॉब्लम हुई अर्तुगरुल के डेथ के बाद, तो आई थॉट कि बाबा दुश्मन होते हुए भी इतने टीयर्स, माय गॉड, बट देखा तो उनको बदला लेने नहीं मिला इसलिए उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा कि उनके अगली पीढ़ी के साथ वो बदला लेंगे, तो माय गॉड दैट वाज रियली सीरियस। फिर दोनों बच्चों, मतलब जो कुर्लुस उस्मान और एक और जो थे, वो बहुत नज़दीक थे अपने पिता के, एंड उनका टीयर्स, उनके आंसू हमने देख लिए थे। तो उसके बाद वो लेडी जो एक्चुअली बहुत सारे षड्यंत्र करती थी अगेंस्ट अर्तुगरुल, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, बट एंड में वो भी बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा अर्तुगरुल के डेथ से, और बहुत दिल भर आया उनका भी। और फिर नंबर 1 थे बम्सी, तो बम्सी भी टोटली अलग लग रहे हैं, टोटली डिफरेंट, और जिस तरीके के उनके एक्सप्रेशंस थे, लाइक दिल के अंदर एक तूफान चल रहा है उनके, वो फेस पे नहीं दिखा रहे, फेस पे वो कंट्रोल कर रहे हैं उनको, अंदर उनको पता है कि बाबा क्या हो रहा है ऐसा, मतलब जैसे कुछ बहुत कीमती चीज़ छूट गई, काइंड ऑफ, मतलब उनका प्यार ही उतना था, उनकी दोस्ती उतनी थी, राइट। मैंने इतने सारे सीन्स पर रिएक्ट किया जहाँ पर उनकी दोस्ती, उनका प्यार, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से दिखाई दिया गया है, एंड आई एम रियली शॉक्ड कि तुर्गुत का रिएक्शन भी दिखाई दिया गया है इसके अंदर। आप जैसे ही इस वीडियो को 10K व्यूज़ हो जाएंगे, मैं जल्दी से नया अर्तुगरुल या कुर्लुस उस्मान के नए वीडियो के साथ आऊँगी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछला वीडियो, जैसे ही 10K व्यूज़ हो गए मैं ये वीडियो लेके आई, वैसे ही सेम तरीके से मैं नया वीडियो लेके आऊँगी। तो इस वजह से जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके उतना लाइक करो, ताकि उस पर ही डिपेंड होता है कि मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो मैं आती हूँ रोज़ वीडियोज़ के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप कमेंट सेक्शन में लो, बाकी भरत मियाँ।